hello students welcome in maths class today we will start new chapters chapter number 6 that is lines and angles first we will take the introduction of the chapter the first one that is the line line means it is the straight and continuous and both direction नो स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड नो एंडिंग पॉइंट यानी लाइंस का मीनिंग बटे क्या दे रखा है यह हमेशा क्या रहेगी स्ट्रेट रहेगी और कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी और दोनों डायरेक्शन में क्या रहेगा इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है नो ये एंडिंग पॉइंट होता है ये दिख रहा आपको ये मैंने एक लाइन बना रखी है इसमें ना तो कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है यानी कि इसको बैकवर्ड से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और फॉरवर्ड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अब बात सेकंड पॉइंट आता है इसका लाइन सेगमेंट क्या आता है बट अपना लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट का मीनिंग होता है कि विच द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट यानी जो क्या 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 रखा है स्टार्टिंग पॉइंट रखा है एंडिंग पॉइंट रख को अपन क्या बोलते हैं बेटा लाइन सेगमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट का मतलब जैसे मैंने पॉइंट लाइन बनाई नहीं या मैंने लिखा ए पॉइंट लगाया मैंने मार किया इसको रखा ए यहाँ रखा मैंने बी तो ये ए बी ब्या होगा इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो इसी इस इस को अपन लाइन सेगमेंट बोलते हैं लाइन सेगमेंट मतलब विच एंड्स स्टार्टिंग एंड भी दे रखा है एंडिंग एंड end भी दे रखा है एंडिंग पॉइंट मतलब दे रखा है नाउ टाइप्स ऑफ द लाइन टाइप्स ऑफ लाइन में फर्स्ट अपना रखा है पैला लाइन पहले लाइन का मीनिंग होता है विच डज नॉट इंटरसेक्ट जो आपस में नहीं मिलती है उसी को अपन बेटा पैला लाइन बोलते हैं पहले लाइस का मतलब होता है कि अगर आपके स्टार्टिंग में अगर वन मीटर डिस्टेंस दोनों के बीच में दे रखिए तो कहीं भी आप मेजरमेंट लोगे आप लाइन्स के बीच में तो हमेशा मेजरमेंट कितना आएगा अपना वन मीटर आएगा इन्हें आपस में कभी भी कट नहीं होगी इंटरसेकट लाइन का मतलब विच इंटरसेक्ट जो आपस में कट हो रही है उसी को अपन बेटा क्या बोलते अपन इंटरसेक्टिंग वर् लाइन बोल रहे इंटरसेकट लाइन आपस में कट होना ये पैला लाइन मैंने बना रहा हूँ पैला लाइन बनाना ये ये पहली लाइन से दे रखी है और ये बेटा अपनी क्या रहेगी इंटरसेक्ट लाइन क्या रहेगी अपनी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल्स अब अपन एंगल से वन डिस्कस करते हैं एंगल्स का मीनिंग बेटा आपको पता है जब अपने पास ये पॉइंट दे रखा है वहाँ से अपने पास क्या और एक पॉइंट है अपने पास में एक लाइन यहाँ से पास हो रही है और एक लाइन इसी पॉइंट से दूसरी लाइन पास हो रही हो तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को अपने एंगल बोलते हैं है। यानी कि वैन यानी कि वैन सिंगल वैन टू लाइन्स पासिस थ्रू वन पॉइंट जो दो पॉइंट दो लाइन एक ही पॉइंट से पास और उसी को अपना एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं कि साइज बन रही है उसी को मोटा अपन क्या बोले एंगल बोले एंगल के डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं पहले अपना दे रखा है एक्यूट एंगल क्या दे रखा है राइट एंगल राइट एंगल इक्वल टू नाइन डिग्री थर्ड आता अपनाटी से ज्यादा हो एंड लेस देन वन एटी डिग्री और वन एट्टी से कम हो और थर्ड आता स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल मतलब लाइन के ऊपर टोटल एंगल जो बनाते हैं अपना वो अपना कितना रहेगा अपना वन एटी डिग्री कितना रहेगा अपना

नाउ पेयर ऑफ द एंगल्स पेयर ऑफ एंगल्स फर्स्ट अपना रहा है कम्प्लीमेंट एग कम्प्लीमेंट एंगल का मतलब है इन विच समेसन ऑफ टू एंगल दट इज नाइनटी डिग्री अगर दो एंगल का समय नाइनटी डिग्री है तो वो अपना क्या रहेंगे कंप्लीमेंट एंगल है कम्प्लीमेंट एंगल की कंडीशन एक भी रहती है कि अगर मान लो एक एंगल दे रखा दूसरा एंगल अपने निकाल सकते हैं अगर एंगल्स कंप्लीमेंट्री दे रखो तो दूसरा एंगल नाइनटी से क्या करें सप्रेट करेंगे एक आता अपना supplement है अपना सप्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट एंगल का मतलब ऑफ टू एंगल्स एंगल इज इक्वल टू वी डिग्री दो एंगल्स का जो समेशन जो रहता है बटेस्ट इसमें कितना रहता है वन एटी डी कितना रहता है अपना डिग्री नाउ एडजस्टेंट एंगल एडजस्ट एंगल का मीनिंग दे रखा है कि इन विच टू एंगल्स है कॉमन लाइन यानी कि दो एंगल के बीच में क्या रहा है कॉमन लाइन है जैसे मान लो अपने पास कुछ एंगल दे रखा है ये दे रखा है अपने पास ये मैंने एक लाइन बनाई और एक मैंने ये बना दिया यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एंगल दिख रहा है और यहाँ पे एक वाई दिख रहा है यहाँ पे आपको बताया यहाँ तो एक्स और वाई एंगल दो हंड है इसके बीच जो कॉमन लाइन जो आ रही है उसी को बेटा अपन क्या बोलेंगे एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं यानी कि एक्स और वाई के बीच में कॉमन लाइन है ये दोनों इन्हें एक्स वाई के आपस में क्या लेंगे एडजस्टेंट एंगल्स है एडजस्टेंस एंगल्स का मतलब विच हैव कॉमन लाइन ऑफ द एंगल्स एंगल्स में क्या आती है कॉमन लाइन अब आता नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब है कि कि एक लाइन के टोटल एंगल का समय समय से बटा अपना वन एटी है चाहे बोले आपने कितने भी एंगल जैसे लो एक फिगर है एक लाइन बनी एक्स तीन एंगल तो इनका समय से बैठक वन एटी कितना बट अपना वन एटी तो कहने का मतलब कंडीशन यही रहती है लीनियर पेयर एंगल्स में कंडीशन क्या रहेगी रहेगा बट अपना

टू सेवेंटी डिग्री दे रही है एंगल बी ओ जो दे रखा है वोटा कितना दे देखा फोर्टी डिग्री दे रखा है फाइंड एंगल बी हुई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी हुई अपन को क्या निकालना बेटा सी होती यानी पहले आप फिगर को ड्रॉ करना फिगर के हिसाब से आपको देखना है तो पहले इसमें कंडीशन दे रखी है बेटा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ जो दे रखा क्वेश्चन सेवनटी डिग्री दे रखा है तो एंगल बी ओ डी जोगा वो कितना दे रखा अपना फोर्टी डिग्री दे रखा है तो एंगल बी ओ ही निकलना आपको एंगल सी ओ ही निकलना तो पहली चीज तो अपन को फिगर से अपन को क्लियर हो रहा है कि एंगल बी ओ डी जो दिख रहा है एंगल ए ओ सी की कुलर क्यों क्योंकि वो वो वर्टिकली अपोज है और मैंने आपको भी बताया था वर्टिकली अपोज एंगल समझा कह रहा है बेटा इक्वल रहता है कह रहा था अपने इक्वल तो वो कितना है अपना 40 डिग्री ठीक है अब अपने अगर आपको ये 40 डिग्री दे रखा है तो आपको पता है तो यहाँ पे ए ओ सी की जो वैल्यू एल्यूर रखेंगे फोर्टी प्लस एंगल बी ओ ही कितना आएगा सेवन डिग्री आ जाएगा एंगल बी ओ जो है सेवेंटी फोर्टी को सब अपना थर्टी डिग्री कितना आ जाएगा बटा अपना थर्टी डिग्री आ जाएगा ठीक है अब अपन को निकालना है एंगल अब आपको पता है यहाँ पे जो फिगर फिगर दिख रहा है ऊपर की साइड बन रहा है, है तो ना ये वाला इस वाले फिगर में बेटा ये जो टोटल जो बन रहा है यहाँ पर एम से देखिए इस फिगर को ये ऊपर जो दिख रहा है पूरा टोटल यहाँ पे एंगल समझ कितना बन रहा है फोर्टी बीस वाली आ रहा है ठीक है और ये ऊपर बीच हो तो वो अपना एंगल निकालेंगे तो इसमें कैसे एंगल ऐसे निकाल रहे हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई ई प्लस एंगल बी ओ समझे वन एटी क्या क्योंकि आपको क्या बना बेटा लीनियर पर बेटा क्या बना अपना लीनियर पर तो एंगल सी ओ ई जो है वो वन एट्टी माइनस सेवेंटी आ जाएगा तो ये अगर उसको सबकेट करता है वन हंड्रेड टेन रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा अपना रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया था लेस देन थ्री सिक्सटी तो अगर थ्री सिक्सटी अगर सब्जेक्ट करेंगे थ्री सिक्सटी माइन वन हंड्रेड टेन तो कितना आ जाएगा बेटा अपना टू फिफ्टी आ जाएगा कितना आ जाएगा अपना टू फिफ्टी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है क्लियर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन इसमें बुट्टा दे रखा है अपने पास में फिगर देखो दे रखा है यहां पर फिगर ये रहा अपने पास में इन फिगर सिक्स पॉइंट फोटीन लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई दट इज नाइनटी डिग्री एंड ए रेशियो भी दे रखा टू रेश्री दे रहा अब रेशियो दे रखा है अपन को सी वैल्यू निकल के निकाले बटे सी के लिए तो रेशियो दे रखा तो अपन इसमें कॉमन रेशियो भी लेंगे वो अपन एक्स लेकर पहले ए ओ बी कल बी वैल्यू निकले उसके बाद सी निकालेंगे तो वही आपको लेना हो लीनियर पेयर के हिसाब से आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है ये बी ए और नाइन दिख तो रहा, रहा है आपको तो इनका समझ कितना है बट वन एटी आ रहा है मैंने आपको बताया था लाइन के ऊपर टोटल एंगल का समझ कितना था वन एटी डिग्री

इनका समय से कितना टू एक्स प्लस थ्री एक्स कितना फाइव एक्स फाइव एक्स तो एक्स एटीन डिग्री अब एक्स अगर एटीन डिग्री कितना आ जाएगा बी कितना देर दे रहा है ना इसका तो ये आ जाएगा फिफ्टी फोर एटीन सेटिन तो इंटू टू एन टू कितना थर्टी सिक्स इंटू थ्री कितना अब बी आपको पता है तो आपको पता है बी और सी के साथ में क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है तो स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है एंगल का समय आपको पता है बी 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 और सी का समय किता है लेने पर बना लीने पे कंडीशन टोटल एंगल डिग्री तो फिफ्टी फोर तो प्लस सी जो आएगा वो कितना है वन एटी डिग्री तो सी आ जाएगा वन एट्टी माइनस फिफ्टी वो इनकी वन ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा वोट तो सी क्यों लगा अपनी वन ट्वेंटी सिक्स यार अपने वन ये क्वेश्चन हो का आंसर है ठीक है थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा बेटा ये अपना इसमें कौन क्वेश्चन दे रखा थर्ड में इन फिगर एंगल पी ओ क्यू पी एंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू पी आर क्यू दिख रहा है आपको पी आर क्यू देन प्रूव देट एंगल पी क्यू एस इज इक्सलू क्या आ रहा है पी आर टी इक्ल आ रहा है तो ये चीज़ पर पी क्यू एस जो है किसके किसकी पी आर टी इक्वल आएगा तो आपको पता है अपन को अगर ये इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहा है तो आपको ये प्रूव करना है एक्स्ट्री एंगल भी आएंगे इक्वल आएंगे तो आपको पता है मैं एक्स्ट्री एंगल कंसिडर करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पे क्या आएगा बट अपना लीनियर पे बन रहा है यहाँ पे भी लीने पर लेने पर बना यानी कि यहाँ पे वन एट्टी डिग्री के इकल आएगा वन एटी डिग्री कुल आएगा ठीक है तो इसकी एकक्वेशन बना के अपन को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन सोलिस को मैं यहाँ पे यहाँ दे रखा है ये देखो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है एंगल पी क्यू आर दे रखा है अपना पी आर क्यू रखा है प्रूव एंगल पी क्यू एस जो आ रहा है एंगल पी आर टी का इक्वल आ रहा है तो आपको पता ही है एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर वो भी कितना वन एटी डिग्री और एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी भी कितना बट वन एट डिग्री यानी अगर ये इक्वल आ रहे हैं यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर पी क्यूआर जो आ रहा है वो भी इक्वल है एंगल पी आर क्यूर प्लस P -R -T है, -T आपस में दोनों को जब अपन इक्वेट करेंगे तो अपन ये कह देंगे अगर इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं तो अपन ये कह देंगे एंगल पी क्यू एस जो आ रहा है वो तो एंगल पी आर टी के इक्वल रहेगा ठीक है, है, है। तो ये कंडीशन दे रखी है जब इक्वेट करूंगा ना तो जो इक्वल आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी ठीक है तो ये इस टाइप है इसमें एक पॉइंट एक और ऐड कर सकते हैं अपन मैं लिख देता हूं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी ये मैंने लिखा है यानी इसमें पी क्यू आर ये और ये क्या रहा? PRQ, ये हो रहा है पी आर क्यू ये कैंसिल हो रहा है

मार्क कर दो सर्कल सर्कल का टोटल ना थ्री सिक्स आ 360 है कितना आता है वो टपना थ्री सिक्सटी किलोमीटर इक्वल किसके कुल लगता है थ्री सिक्सटी तो यहाँ तो पे बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा इफ एक्स प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू जेड के आपको पता है एस वाई जेड और डब्लू थ्री सिक्सटी एक्स और वाई और किसके को आ रहा है इक्वल दे रखें क्यों दे रखें बेटा क्यों एक्स के अपोजिट आ रहा है जेड वाई का अपोजेट आ रहा है डब्लू ये वर्टिकल अपोजिज वर्टिकल अपोजेज हमसे इक्वल रहेंगे तो मैं जब एक्स की जगह डब्लू रखता हूँ और डब्ल्यू की जगह में

तो जब वन एटी तो ये क्या बना लीनियर बना जब लीनियर पे बना, बना स्ट्रेट लाइन क्या दे ठीक so है तो मैंने आज एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन के चार क्वेश्चन करवा दिए और इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना ठीक है तो क्वेश्चन सारे फेयर आउट करना है आपको ठीक है और ढंग से समझना है प्रैक्टिस करनी है बेटा जोमेट्री पोर्सा लिख लिख के प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस को अच्छे से याद करो समझो क्लियर तो ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो मैंने आपका खत्म कर दिया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने खत्म कर दिया है बाकी जो मैंने दो क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं क्लियर थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा टेक केयर